घर की मुस्कान है बेटिया, सबके मन की मान है बेटिया, माँ बाप और परिवार की शान है बेटिया। बेटी है स्वर्ग की पहली सीढ़ी, वह पढ़ेगी तो बढ़ेगी अगली पीढ़ी। कहते हैं ना, एक पढ़ी लिखी बहू मिल जाए तो सात नस्लों का भविष्य संवार देती है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, आपको इन तस्वीरों में घर की लक्ष्मी नजर आएंगी, आंगन की तुलसी नजर आएंगी, चौखट पे खड़ी बीवी फातिमा नजर आएंगी, आयशा नजर आएंगी, बी अम्मा नजर आएंगी, लक्ष्मीबाई नजर आएंगी, जो खुद का भविष्य संवारने में ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को चराग दिखाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। कहते हैं तस्वीरें बोलती है। इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में मुस्कुराती चेहरों को देखिए, आपको सुनहरा भारत नजर आएगा, कल का उगता हुआ सूरज नजर आएगा। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की एक छोटे गांव की है। गांव में इंटर कॉलेज नहीं होने के कारण यह लड़कियां खुद रिक्शा चलाकर अपने गांव से कई किलोमीटर दूर टाड़ा शहर में सनराइज इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती है। पढ़ाई का जज्बा इन लड़कियों में देखिए, आज रिक्शा का ड्राइवर बनी है। इनको मालूम है आने वाला कल हमारा होगा, आने वाला चमकता होगा कल हमारा होगा, आने वाला कल का सूरज हमारा होगा। इनको मालूम है कल देश का कमान संभालना होगा, देश की गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा, आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाना होगा। कहते हैं ना जब जिद हो जिंदगी में कुछ कर गुजरने का तो रास्ते कठिन नहीं आसान नजर आने लगते हैं। अगर हौसला उड़ने का हो तो पंख की नहीं परवाज की जरूरत होती है, और इन लड़कियों ने साबित कर दिया कि उड़ने के लिए पंख की जरूरत नहीं है बल्कि हौसलों से उड़ान भरा जा सकता है। कई किलोमीटर दूर ये लड़कियां रिक्शा चलाकर पढ़ने जाती है। इन लड़कियों के हौसले को हम भी सलाम करते हैं, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और हमारी भी यही कामना रहे कि ये लड़कियां भविष्य में एक इतिहास बनाए, एक इतिहास रचे, ताकि इन लड़कियों को याद रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।